Hello people, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video, I am going to discuss a very important novel, The Collector's Wife. It is written by Mitra Phukan and this novel was published in 2005. As you all know that Mitra Phukan is an Assamese writer, translator and novelist also. Actually, I want to say that in this topic, I have uploaded a video, but on that video, I told you that the relation of Rukmani and Renu as a sister-in-laws, but actually it is done by mistake. So today I was thinking that I should upload a new video because I do not want that any kinds of confusion should be created among the students. So today I am going to discuss this novel in more detail and with the correct information also. So let us start. The main character of this novel are Siddharth and Rukmani. ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी शादी को 10 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, बट आफ्टर 10 इयर्स रुक्मणी इज अनफर्टाइल और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अभी तक अनफर्टाइल है. उसको ये चीज एक बर्डन लगती है. दूसरी तरफ वो इस चीज से भी परेशान रहती है कि सिद्धार्थ एग्जैक्टली उसको प्रॉपर टाइम नहीं देता है क्योंकि वो हमेशा वर्कर से, फाइल से, इन सब चीजों से घिरा हुआ होता है. क्योंकि सिद्धार्थ यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने के नाते उसके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर टाइम रुक्मणी को नहीं दे पाता है और ये चीज रुक्मणी को बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है. वो चाहती है कि उसकी लाइफ के दिन पहले थे वैसे ही रहे, बट वैसा नहीं हो पाता है जिस वजह से रुक्मणी बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है. रुक्मणी अकेली रहती है, फुल सिक्योरिटी में रहती है, लेकिन उसको एग्जैक्टली वो फ्रीडम नहीं होती है जो कि उसको चाहिए होती है. तो वो क्या करती है, वो वहीं पे ही प्रभातपुरी में जहाँ पे डीसी बंगलो बना हुआ है उस जगह का नाम होता है प्रभातपुरी, उस प्रभातपुरी में वो एक छोटा सा डिग्री कॉलेज ज्वाइन कर लेती है. उस डिग्री कॉलेज का नाम होता है दीनानाथ सायका डिग्री कॉलेज और उस कॉलेज में वो एक इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने लगती है. इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती है, वहाँ की सैलरी नो डाउट बहुत ही ज्यादा कम होती है अगर आप कंपैरिजन करें दूसरे कलीग से, बट हियर मनी डज नॉट मैटर बिकॉज शी इज द वाइफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. As well so that कि वो तो सिर्फ अपना टाइम पास करने ही वहां पे जा रही थी, अपना अकेलापन दूर करने उस कॉलेज को ज्वाइन किया हुआ था उसने. अब यहाँ पे वो अपने कलीग से मिलती है रीता, प्रियम, शिल्पा दत्त एंड अन्वेश दत्त. ये इन लोगों से मिलती है, ये इसके कलीग्स होते हैं. इसका टाइम काफी अच्छा निकलता है लेकिन घर आने के बाद उसकी वही हालत हो जाती है, वही अकेलापन, काफी चीजें खराब हो जाती हैं. एग्जैक्टली उसको ऐसा लगता था कि अब तो सिद्धार्थ बाहर से आने के बाद भी अगर कहीं वो आउट ऑफ स्टेशन है, वहां से आने के बाद वो मुझे ब्रेस भी नहीं करता है, वो मुझे हग भी नहीं करता है. ये सब चीजें उसको बहुत ही ज्यादा खराब लगती हैं यहाँ पे रुक्मणी को. एग्जैक्टली ये जो नॉवेल है वो बेस्ड है कि एक मेंटल, एक सोशियोलॉजिकल रिलेशन किसका, रुक्मणी का, कि एग्जैक्टली इसकी वाइफ यहाँ पे क्या चाहती है और उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है. रुक्मणी का जो रिलेशन है वो अपने इन लॉज के साथ बहुत ही अच्छा होता है. यहाँ सिद्धार्थ की मदर रेणु जो कि रुक्मणी को एज अ डॉटर ट्रीट करती है, रेणु का बहुत ही अच्छा नेचर होता है और वो रुक्मणी के साथ बहुत ही अच्छा यहाँ पे बिहेव करती है. रुक्मणी अपने लॉस के साथ बहुत ही ज्यादा मिक्सअप होती है, अपनी चीजें शेयर करती है और इसके जो इन लॉस होते हैं वो रहते हैं गुवाहाटी में. कहाँ पे रहते हैं, गुवाहाटी एक जगह है आप लोग जानते होंगे, वहां पे इनके इन लॉस रहते हैं लेकिन वो सैडम ही यहाँ पे विजिट कर पाते हैं. लेकिन जब भी आते हैं तब रेणु अपने साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है और आफ्टर सम टाइम जब वो चले जाते हैं तो फिर से रेणु की वैसी ही कंडीशन हो जाती है. अब यहाँ पे रेणु, यहाँ पे रुक्मणी क्या करती है, अपने कलीग के साथ बिजी रहती है कॉलेज टाइम पे, लेकिन घर आने के बाद वैसे ही हो जाता है. एक दिन रुक्मणी क्या करती है कि रीता की इंगेजमेंट में जाती है, रीता की मैरिज में जाती है, तो उस मैरिज में उसकी मुलाकात होती है रीता के ब्रदर मनोज से. मनोज यहाँ पे कौन है, ये यहाँ पे रीता का
बिल्डर होता है। और यहाँ पे अभी मनोज से इसकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन शादी में जब ये जाती है तो इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ब्राइड की फ्रेंड्स कौन कौन सी हैं, तो इन सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें एक रुक्मणी भी होती है। तो लेकिन रुक्मणी को ये बताया जाता है कि ये मैरिड है बट अभी तक इसको कोई भी बेबी नहीं है। तो वहाँ की जो विमेंस होती हैं वो इस पे ब्लेम करती है कि जो भी लेडी फर्टाइल नहीं है उसको अच्छे अकेजन में नहीं आना चाहिए, उनकी शैडो भी नहीं पड़ना चाहिए। ये बात सुन के रुक्मणी को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि लोग उसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। उसको ये फील होता है कि शायद मुझे इस अच्छे अकेजन में नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे रीता का एक और भाई होता है जिसका नाम होता है रंजीत, वो इसको काफी कंसोल करने की कोशिश करता है कि रुक्मणी को कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इन लोग की बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन रुक्मणी बोलती नहीं, ये मेरी गलती है, मुझे भी ये सोचना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन शायद वो जो लेडीज बोल रही हैं मेरे लिए वो एकदम सही बोल रही हैं। अब यहाँ पे रुक्मणी वापस आ जाती है अपने घर पे, उसको बार बार वही चीजें फील हो रही हैं। वो काफी सारे डॉक्टर से मिल चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स अब बोलते हैं कि एग्जैक्टली अब सिद्धार्थ को चेकअप कराने की जरूरत है, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पे अपना चेकअप कराने के लिए तैयार नहीं है। एग्जैक्टली वो इस चीज को कंसीडर भी बहुत ज्यादा नहीं करता है कि बेबी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो इस लाइफ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो हमेशा अपने ही काम में उलझा हुआ होता है। अब यहाँ पे जो रुक्मणी होती है वो रेणु अपने इन-लॉज से बात करती है, तो उसकी मदर बोलती है कि हम लोग कुछ करेंगे इसके लिए, हम लोग कुछ सोचेंगे यहाँ पे। लेकिन वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती है रुक्मणी को, तो रुक्मणी सोचती है कि मेरी मदर इन-लॉ मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट देती है कि शायद मेरे पेरेंट्स भी मुझे इतना अच्छे से नहीं मानते होंगे, मुझे इतना अच्छे से कभी नहीं समझाया होगा। जो रुक्मणी के पेरेंट्स होते हैं, मैटरनल उसका हाउस होता है, वो होता है त्रिनाद, एक जगह है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसके पेरेंट्स वहां पे रहते हैं। तो ये अपने लॉज को बहुत ही ज्यादा मानती है। उसके बाद अब ये सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो डेली ही अपनी ही इन सब चीजों में बिजी रहती है। एग्जैक्टली शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं क्या करूं, मैं कैसे फर्टाइल हो जाऊं, इस चीज को वो सोचती रहती है। तभी एक दिन रेणु की कार क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जब रेणु की कार खराब हो जाती है, ओल्ड कार, तो वो एक शॉप पे जाती है। उस शॉप पे उसको वहां पे फिर से मिलता है मनोज, मनोज जो कि रीता का ब्रदर भी होता है और एक कार सेल्समैन भी होता है। यहाँ पे इसकी मुलाकात मनोज से होती है, तो मनोज बोलता है कि ये कार तो काफी पुरानी हो गई है। तो इसकी वाइफ बोलती है हाँ। फिर इन लोगों की बातचीत होती है तो पता चलता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वाइफ है। तो मनोज बोलता है, ये कमेंट पास करता है कि आपके हस्बैंड के पास तो सरकारी गाड़ी होगी, फिर प्राइवेट गाड़ी क्यों। तो यहाँ पे रुक्मणी उसको बताती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड दोनों चीजों को बैलेंस करके रखते हैं कि एग्जैक्टली जो ऑफिशियल चीज है वो ऑफिशियल ही रहे और जो प्राइवेट चीज है वो प्राइवेट ही रहे। यहाँ पे मनोज और रुक्मणी का कम्युनिकेशन हो रहा है और धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन बढ़ता जाता है, बार बार ये लोग मिलने लगते हैं। इवन रुक्मणी को मनोज की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, मनोज उसकी हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का ध्यान रखता है, इंटरटेनमेंट करता है, शॉपिंग खाना हर चीज में ये मनोज के साथ बिजी रहती है। अब ये सोचती है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जो मैं किसी दूसरे मैन के साथ इस तरीके से चीजों को एंजॉय कर रही हूँ। अब वो थोड़ा सा बर्डन कम फील करती है और बर्डन कम फील करने के साथ उसको मनोज की कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगी है। एक दिन मनोज अपने फ्रेंड प्रणव बिछाया और इसको बेटी भी बोला गया है, उससे मिलवाता है। किसको मिलवाता है, रुक्मणी को मिलवाता है। ये एग्जैक्टली एक टी प्लांटर होता है, टी गार्डन का ओनर होता है, इसको मिलवाता है। तो काफी ये खुश होती है मिलके और प्रणव इन लोगों को इनवाइट करता है कि आप हमारे टी गार्डन स्टेट में भी आइए। तो ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं, मनोज और रुक्मणी, कि हम लोग प्रणव के यहाँ मिलने जाएंगे, उसके टी गार्डन पे जाएंगे। अब ये रुक्मणी और मनोज इसके
प्रणव के टी गार्डन में मिलने के लिए निकलते हैं वहां से, लेकिन शाम तक जाते जाते ना बादल में बहुत ज्यादा काला बना जाता है, क्लाउडेड हो जाता है, जबकि यू कैन से दैट कि वेदर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो वहां पे यहाँ पे मनोज बोलता है कि अब मैं ये रिस्क नहीं ले सकता आगे जाने का, क्योंकि मुझे भी अपनी जान बहुत ही ज्यादा प्यारी है, तो हम लोग यहीं पे स्टे करते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर हम लोग प्रणव से मिलने जाएंगे। अब यहाँ पे मनोज और रुक्मणी यहाँ पे स्टे करते हैं, लेकिन यहाँ पे रुक्मणी को बिल्कुल भी एम्बेरस फील नहीं होता है कि वो किस तरीके से एक दूसरे मैन के साथ यहाँ पे रुकी हुई है, क्योंकि वो पूरी तरीके से आग बंद करके मनोज के ऊपर विश्वास करने लगी है। अब यहीं पे रुक्मणी और मनोज के बीच में एक फिजिकल रिलेशन डेवलप होता है, जिसकी वजह से रुक्मणी को ये फील होता है कि शायद दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम फीलिंग सो मच गुड रादर देन सिद्धार्थ। अब यहाँ पे जो रुक्मणी है वो जाती, दूसरे दिन मनोज और रुक्मणी जाते हैं और यहाँ पे लोग प्रणव से मिलते हैं। प्रणव से मिलने के बाद यहाँ पे ये लोग वापस आ जाते हैं अपने घर पे, और रुक्मणी अपने घर चली जाती है और मनोज अपने घर चला जाता है। एग्जैक्टली जो मनोज है, मनोज की वाइफ माया से डाइवोर्स हो चुका है, ये यहाँ पे मनोज की वाइफ होती है। तो इसने बताया था अपनी वाइफ के बारे में मनोज ने कि मेरी वाइफ बहुत ही सोशली इन्वॉल्व रहती थी चीजों में, उसे मेरी कंपनी पसंद नहीं थी तो मैंने उसको डाइवोर्स दे दिया था, उसने दूसरी शादी भी कर ली है और उसको बच्चे भी हैं, लेकिन मनोज ने दूसरी शादी नहीं की थी। अब यहाँ पे रुक्मणी का और मनोज का तो रिलेशन बहुत अच्छा चल ही रहा होता है। उसी बीच में रुक्मणी जाती है नंदिनी देवरी से मिलने। नंदिनी देवरी यहाँ पे जो कि उस टाइम पे प्रभातपुरी के एसपी की वाइफ होती है, किसकी, हरिषकेश की, ये एसपी होता है वहां का और ये उसकी वाइफ होती है। ये मिलने जाती है वहां पे तो वो देखती है कि ये जो नंदिनी है ये सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, अपने आप को हर तरीके से बहुत अच्छा मिस रिप्रेजेंट करती है, जबकि रुक्मणी बिल्कुल भी ऐसा नहीं थी, क्योंकि रुक्मणी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वाइफ थी, वो चाहती थी वो भी ऐसे रह सकती थी, बट एग्जैक्टली रुक्मणी का और नंदिनी देवरी का यहाँ पर रिलेशन टोटली एक दूसरे से अलग था। जहाँ पे ये लोग रहते थे वहां पे टेररिस्ट का खतरा इतना ज्यादा रहता था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पब्लिक हमेशा कह रही थी बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती थी कि कभी भी टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ही सिद्धार्थ हमेशा चीजों में बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था और प्रॉपर टाइम रुक्मणी को नहीं दे पाता था। अब यहाँ पे वो नंदिनी से मिलती है, नंदिनी को देखती है तो अपने आप से सोचती है कि मैं इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ। आफ्टर सम टाइम इट इज सीन दैट कि यहाँ पे जो हरिषकेश देवरी होता है, वहां का एसपी होता है, उसका उसकी डेथ हो चुकी है, उसका मर्डर हो गया है बाय द टेररिस्ट। अब यहाँ पे जैसे ही ये पता चलता है तो रुक्मणी सिद्धार्थ नंदिनी के घर जाते हैं और रुक्मणी जब नंदिनी को यहाँ पे देखती है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसको ये लगता है कि जब मैंने कुछ टाइम पहले नंदिनी को देखा था तो किस तरीके के स्टेटस में थी और अभी वो एक पूरी तरीके से विडो बन चुकी है। और नंदिनी को बहुत अच्छा लगता है, नंदिनी बोलती है कि अच्छा हुआ कि आप लोग मुझसे मिलने आए और आपने मुझे कंसोल किया। इस तरीके से यहाँ पे हरिषकेश की देवरी की डेथ हो जाती है, इसका मर्डर हो जाता है। अब रुक्मणी की जो मदर इन लॉ है रेनू, ये एक टेम्पल में जाती हैं, उस टेम्पल से एक अम्बुलेट लेके जाती हैं, मतलब एक ताबीज लेके आती हैं और उस ताबीज में क्या था एग्जैक्टली, उस ताबीज में विशेष होती हैं वो उस टेम्पल में, कि उस टेम्पल का एग्जैक्टली जो था कि अगर आप उस टेम्पल की ताबीज पहनते हैं तो आपकी चाइल्ड की विशेष स्पेशली पूरी होगी। तो यहाँ पे रुक्मणी वो एम्बुलेट वो ताबीज अपनी मदर इन लॉ रेनू से ले लेती है और उसको पहन लेती है और ये बिलीव करती है कि शायद हाँ ये चीज सही हो जाएगी और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मनोज जो है, मनोज की यहाँ पे किडनैपिंग हो चुकी है और वो एंड दिस किडनैपिंग इज डन बाय दैट टेररिस्ट, और वो टेररिस्ट को बोला जाता था MOFEH, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका डर सबको, वहां की पब्लिक को, सभी को रहता था कि टेररिस्ट कभी भी अटैक कर सकते हैं।
यहाँ पे मनोज की किडनैपिंग हो जाती है और मनोज की किडनैपिंग के बाद यहाँ पे सिद्धार्थ को और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि किस तरीके से मनोज को छुड़ाना है। और एट लास्ट यहाँ पे क्या होता है कि मनोज का भी मर्डर हो जाता है और यहाँ पे सिद्धार्थ की भी डेथ हो जाती है। और उस डेथ से पहले रुक्मणी को ये पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये चीज अभी तक किसी को नहीं बता पाई है कि वो प्रेग्नेंट है, ना ही तो ये चीज उसने सिद्धार्थ को अभी तक बता पाया है और ना ही अभी तक उन्हें ये चीज मनोज को बता पाई है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे मनोज की भी डेथ हो गई है, सिद्धार्थ की भी डेथ हो गई है और रुक्मणी यहाँ पे बिल्कुल अकेले बची है। रुक्मणी को ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि मनोज की डेथ हो गई है और सिद्धार्थ की डेथ हो गई है। अब यहाँ पे जो अनिमेश दत्त होता है, अनिमेश दत्त एग्जैक्टली यहाँ पे रिपोर्टर होता है और ये अंडर द सुडोनेम मुकुल माधव नाम से ही यहाँ पे आर्टिकल लिखा करता था और यही सबसे पहले बताता है रुक्मणी को कि सिद्धार्थ की डेथ हो गई है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए रुक्मणी को बिल्कुल ही बिलीव नहीं होता है। तो ये जो अभिषेक है ये यहाँ के न्यू एसपी बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हरिषकेश देवरी थे इनकी डेथ हो चुकी है और उनकी जगह यहाँ पे न्यू एसपी अभिषेक आ चुके हैं। तो अभिषेक इस चीज को रुक्मणी से कंफर्म करते हैं कि एग्जैक्टली अब सिद्धार्थ की डेथ हो चुकी है। और इस तरीके से ये यहाँ पे नॉवेल खत्म हो जाती है और लास्ट में ये देखने को मिलता है कि जो रुक्मणी है वो दो लोगों के लिए अपने आंसू बहा रही है, एक किसके लिए, सिद्धार्थ के लिए, एक मनोज के लिए। और बोलती है कि एक तो मेरी लाइफ में दो पर्सन ऐसे थे, एक को ये नहीं पता था कि वो फादर बनने जा रहा है और दूसरा जो फादर बनने की तैयारी कर रहा था लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो भी फादर बनने वाला है। और इस तरीके से यहाँ पे रुक्मणी अकेले बन जाती है। मैं बता दूं यहाँ पे जो रुक्मणी की मदर इन लॉ होती है रेनू, वो यहाँ पे एक रिटायर्ड स्कूल टीचर होती है और इसके जो फादर इन लॉ होते हैं वो एक कॉलेज प्रोफेसर होते हैं और रिटायर्ड होते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।